साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी। तुम चने कुकर में जमा कर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? हाँ, कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? कौन था? कौन था? ये राशि कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया, चढ़ा दिया, चढ़ा दिया। ये राशि कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मेरे घर मेरी फ्रेंड्स की हाइटी है और 6 बज गए हैं, वो लोग अभी तक नहीं आई हैं। मैं सुबह से लगी हुई हूँ प्रिपरेशन में और कुकिंग में और वेट कर रही हूँ कि ये लोग कब आएंगी, लेकिन ये लोग 6 बज गए हैं, अभी तक नहीं आई हैं। और उनको कॉल किया तो कह रहे हैं बस 10 मिनट में। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके घर हाइटी हो या दावत हो तो आप क्या प्रिपरेशन करते हैं और क्या एक्साइटमेंट होती है और क्या बनाते हैं, क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड्स के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। इंतज़ार कर रही हूँ काफ़ी देर से कि ये लोग आ जाएं, और अभी तक नहीं आई हैं ये लोग। तो चलो, जब वो आएंगे तो व्लॉग बनाएंगे। मेरी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट रेडी है। मैंने चने बनाए हैं, चाय बनाई है और बाकी वन डिश है, तो वो लोग अपनी तरफ से कुछ ना कुछ लेके आएंगे। जी, मेरी फ्रेंड्स मेरे घर आ चुकी हैं, ये बहुत लेट हैं। 5 बजे का इनको टाइम दिया था और ये 6:15 आ रही हैं, ये सब की सब, ठीक है। और किचन में चाय बन रही है और पता नहीं अब ये क्या क्या लेके आई हैं, तो हम डिश आउट करेंगे तो आपको बताएंगे। पढ़नी है, अब हम हाइटी के लिए शुरू हो चुके हैं। वो तुम्हारी 3 पेंटिंग्स मैंने दी और मैंने शायद कमेंट भी किया, लेकिन मेरा कमेंट गया नहीं है उस पर। अरे मोबाइल, ये फरिंगी चाय, ये मुर्क ही इसको बोल रही है, इसका नाम मुर्क है, मुर्क मुर्क मारुक नहीं है, मुर्क है। सिंधी यही है ना, और आपका वैसे पत्ता
ओके जी, फ्रेंड्स तो मेरी चली गई, उनको मैंने सी ऑफ किया। हमारा काफ़ी अच्छा टाइम रहा, हमने खूब इंजॉय किया, हाईटी में मज़ा किया, बातें की, गपशप लगाई। और उसके बाद अब मैं समरीन और सोयमा के साथ जा रही हूँ कुछ खाने जा रहे हैं, कुछ इंजॉय करने जा रहे हैं हम लोग। तो हम लोग आए हुए हैं, हम लोग स्विंग्स जा रहे हैं अगर इधर जगह हुई तो, क्योंकि आज वीकेंड नाइट है तो माइट पॉसिबल इधर जगह ना हो। सोयमा अंदर पता करने गई है कि अंदर जगह है कि नहीं, टेबल फॉर फोर। और अब हम पता करेंगे, अगर इधर जगह हुई तो हम इधर चल जाएंगे, अगर जगह ना हुई तो हम कहीं और चेक करेंगे। मैं जा रही हूँ कैफे प्राहा पता करने कि इधर रिजर्वेशन है कि नहीं, हमें चाहिए रिजर्वेशन फॉर फोर। मैं इधर पता करने जा रही हूँ कि इधर जगह है कि नहीं। मैं आई हूँ कैफे प्राहा इनको पता करने कि यहाँ पे जगह है कि नहीं, लेकिन मुझे लग नहीं रही कि इधर जगह मिलेगी। इट्स ऑलरेडी सो फुल एंड पीपल आर स्टैंडिंग ओवर देयर, वेटिंग पे खड़े हुए हैं लोग। ओके जी, यहाँ तो फुल है, मैंने पता किया है, ऊपर भी सब कुछ फुल है और नीचे भी जगह नहीं है। ओके जी, अब मैं आई हूँ स्विंग्स पे पता करने के लिए कि यहाँ पे रिजर्वेशन है कि नहीं। स्विंग्स वाले कह रहे थे कि हमने 11 o'clock क्लोज करना है और हमारी रिजर्वेशन फुल है। आज वीकेंड नाइट है तो जितने भी रेस्टोरेंट्स होंगे वो ऑलमोस्ट सारे ही फुल होंगे। यहाँ पे टेबल ऑलरेडी फुल है और हम लोग अब डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोग मेन्यू क्या देंगे। ये दोनों डिसाइड कर रही हैं कि दोनों मेन्यू क्या देंगी और हम वेटिंग पे खड़े हैं। हम लोग आए हुए हैं कैफे प्राहा और स्प्रिंग्स में जगह नहीं थी तो हम लोग फिर यहाँ आ गए हैं। और अब ये लोग दोनों मेन्यू ले रहे हैं और डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोग क्या खाएंगे। समर, आप लोग मेन्यू क्या दे रहे हो? अच्छा, बताओ ना क्या मेन्यू दे रहे हो? ओके जी, हम कैफे प्राहा में वेट कर रहे हैं, हमारी वेटिंग है यहाँ पे और अब आई गेस नेक्स्ट हमारा ही नंबर है। ऑलमोस्ट काफ़ी रश है यहाँ पे तो हमने पहले काफ़ी देर गाड़ी में वेट किया और अब हम यहाँ वेट कर रहे हैं लॉबी में। बिजी रहा जब ट्रेन से आना था, उसके बाद घर की सेटिंग करनी थी और फिर ये लोग मुझे यहाँ लेके आ गए दोनों। आज काफ़ी बिजी रहा है सारा दिन और ये ऑर्डर दे दिया है। और इसकी फ़्राइज़ हमने एक्स्ट्रा उनसे ली और उन्होंने एक्स्ट्रा पोर की क्योंकि इसकी डबल साइड फ्राइज़ थी। ये मिंग मार्गरिटा बहुत मज़ेदार था
और हर चीज़ अप टू डेट थी। ओके जी, हमारा डिनर आ चुका है, हम मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।